नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं सवाल लेकर आया हूँ पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से। आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसे इस टॉपिक्स के जगह पे अगर शायद कोई दूसरा टॉपिक्स हो तो ज़्यादा बेटर, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है JPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो कंटेंट हमें देना है, जो कंटेंट हम लोग को देना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सिर्फ हम लोग को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख के चला नहीं आना, हमें इसके हर पहलू को चर्चा करते हुए और अपने आंसर को मैक्सिमाइज करना है, बेटर करने के लिए, इफेक्टिव आंसर के लिए। जिस अकॉर्डिंग से हमने फ्लो चार्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी किया, इसमें भी फ्लो चार्ट के थ्रू ही काम करेंगे। तो एट फर्स्ट हम आएंगे, देखिए इसमें कितने कितने फ्लो चार्ट के थ्रू पॉइंट बनाए हैं। कि पर्यावरण प्रदूषण से सवाल रह सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करें, या पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके तहत इसके संरक्षण को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर उठाए गए कदमों की चर्चा करें, इसके तहत जितने सम्मेलन हुए सबों की व्याख्या करें। 15-16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा प्रहैप्स, और वर्ड लिमिट वही 250 टू हार्डली 300 रहेगा। हार्डली 300 नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 215 में आपको कंप्लीट, 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा 250 शब्दों में। तो एट फर्स्ट आएंगे परिचय। तो सबसे पहले देंगे कि पर्यावरण प्रदूषण आखिर है क्या, उसी वर्ड लिमिट्स उसी टाइम लिमिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप डिवाइड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं 3 से 4 लाइन इसमें लिखना, परिचय में निकल जाना लिख के। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, क्या कारण है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, कारण व प्रभाव। इसके बाद हम दे सकते हैं कि वैश्विक दृष्टिकोण व राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसका क्या है। उसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन चौथा पॉइंट में, फिर इसके कंजर्वेशंस यानी रोकने के क्या क्या उपाय हैं, और फाइनल में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है, और सब में देखिए इसमें जो सबसे इसमें 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं आप। महत्वपूर्ण सम्मेलन आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर आपको कम से कम तो 10 से 12 लाइन तक जाएगा। कारण व प्रभाव भी आप 8-10 लाइन में लिख सकते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण व राष्ट्रीय दृष्टिकोण का एक ओवरव्यू रख सकते हैं कम से कम 3 से 4 लाइन, फिर कंजर्वेशन का 4-5 लाइन, और निष्कर्ष में 2 या 3 इंपॉर्टेंट, और कुछ करेंट इवेंट अभी हैपनिंग्स अगर हुआ है 2017-18 के इर्द गिर्द तो उसको आप जोड़ सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिगार्डिंग, या फिर कोई सम्मेलन ही रिसेंटली हुआ है तो उसको इसमें जोड़ा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले परिचय जानेंगे, बेसिकली पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के अनावश्यक तत्व मौजूद हो चुके हैं, जिनका होना वहाँ पे काफ़ी मानवीय दृष्टिकोण से और जीवन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हानिकारक है। तो इन अनावश्यक मटेरियल्स का वायुमंडल में पर्यावरण में उपस्थित होना ही प्रदूषण क्रिएट करता है, दैट इज नाउन एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण बोलेंगे। इस तरह से परिचय देंगे। इसके बाद वैश्विक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसको कैसे रिलेट करेंगे कि इसमें लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न प्रभावों को लेकर विश्व के राष्ट्र चिंतित रहे और समय समय पर उन्होंने उचित मंच से उस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाने का प्रयास भी किया। संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद एक जो कमिटी होती है ने 30 जुलाई, मैं डेट में लिख दिया हूँ 30 जुलाई 1968, 30 जुलाई 1968 को पर्यावरण मानव पर्यावरण की समस्या पर एक सम्मेलन आहूत किया, और सम्मेलन के प्रस्ताव में यह कहा गया कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों में महती परिवर्तन हुआ है। यदि वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास द्वारा प्रदत्त अवसरों का नियंत्रित ढंग से उपयोग ना किया गया तो अनेक गंभीर समस्याएं प्रकट होंगी। तो ये राष्ट्र स्तर से भी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण समस्या का विषय है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समस्या है ही, क्योंकि वैश्विक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी समस्या है कि कई दूसरे कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, और उसका खमियाजा जहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है उन कंट्रियों को भी भरना पड़ रहा है, या फिर वो भी उनके शिकार हो रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप रिलेट कर सकते हैं। और उस रिगार्डिंग 30 जुलाई 1968 को एक कमेटी बैठी, एक बैठक हुआ जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए को एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू की चर्चा की गई। तो आई होप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, परिचय हो गया, फिर वैश्विक दृष्टिकोण व राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब आता है किस कारण से होता है, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव। कारण देखिए, मैं लिखा हूँ इंडस्ट्री, कल कारखाने हो गए, ट्रांसपोर्ट, आतात के जो साधन हैं
यातायात का जो मीडियम्स है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी खेती, ट्रेडिंग व्यापार और रेसिडेंस आवास, इन सब के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। सभी के बारे में एक एक दो दो लाइन आप जोड़ दीजिए। जैसे इंडस्ट्री, तो विभिन्न इंडस्ट्रियों जैसे कल कारखाने हो गए, कपड़ा उद्योग है, डिफरेंट प्रोडक्ट, कांच की चूड़ी का जो उद्योग है, फैक्ट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है उस रिगार्डिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है फैक्ट्रीज के द्वारा, दैट इज द रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से आपका लोकेशंस, जो ट्रांसपोर्ट का लोकेशन होता है वो भी काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है, और इसके कारण जो विभिन्न गाड़ियां हैं उससे CO2 रिलीज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। सिमिलर वे में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। ट्रेडिंग का तो रोल है काफ़ी हद तक, इंडस्ट्री ट्रेडिंग। फिर रेसिडेंस है, यानी पर्यावरण प्रदूषण में रेसिडेंस का भी रोल है कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी अनावश्यक चीज़ों का बिखराव इधर उधर करते हैं, और घरों पे क्या है कि खाना वगैरह बनाने के पश्चात बहुत सारे अनावश्यक पदार्थों को जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो इस तरह से आप कारण को मेंशन कर सकते हैं, बस एक एक दो दो लाइन जोड़ते चलेंगे, कंप्लीट होगा। देन आफ्टर इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ह्यूमन पे आएगा, एनिमल्स पे आएगा, प्लांट्स पे आएगा, इकोसिस्टम पे आएगा। पर्यावरण प्रदूषण अगर बढ़ जाएगा तो इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल सब बिगड़ जाएगा। प्लांट की अगर बात करें तो जो फोटोसाइंथेसिस से उन लोग बेटर वे में अपने भोजन को कंप्लीट करने का काम करते हैं, वो एक सिस्टम खत्म हो जाएगा। प्लांट्स यहाँ डिफोरेशन वाली स्थिति आ जाएगी और प्लांट्स बेटर वे में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण से इश्यूज है, और ये अगर प्लांट्स अगर डिस्टर्ब हो गए तो एनिमल्स भी डिस्टर्ब होंगे, उनके आवास हैबिटेट को लेकर चिंता बनी रहेगी। और ओवरऑल अगर डिस्टर्ब हो गया तो ह्यूमंस डिस्टर्ब ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमंस जो है टोटली डिपेंड एनिमल पे, प्लांट पे और इकोसिस्टम पे। ये तीनों के बगैर ह्यूमंस ह्यूमन सस्टेंड ही नहीं कर सकता, इसलिए ह्यूमन इस तरीके से आप टोटली बोल सकते हैं कि पूरा तरह से प्रभावित होगा। ये चीज़ हो गया। अब मैं आता हूँ महत्वपूर्ण सम्मेलन, कारण प्रभाव हो गया, इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन में आइए। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, सेकंड पेज में है। इसके बाद कंजर्वेशन देख लीजिए, इसके बाद निष्कर्ष लास्ट में आपको डालना है, बट बीच में आपको महत्वपूर्ण सम्मेलन डालना। तो कंजर्वेशन क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन में आप यही रीजन और इफेक्ट जो उसी पे आप काम कीजिए कि इंडस्ट्री से जो जितने रिलीज हो रहे हैं उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो, बेटर तरीके से उसका निवारण हो। ट्रांसपोर्ट में जो है सारी गाड़ियाँ मतलब एक मानक स्तर की हों, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को हिसाब से किया जाए, ट्रेडिंग और रेसिडेंस में हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना चाहिए इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करने से संबंधित, ताकि ये रेसिडेंस में भी हम लोग इस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकें। ह्यूमंस अगर चाहे तो पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में, पर्यावरण को कंजर्व करने में, रोकने के उपाय कर सकते हैं, और इसमें एनिमल्स, प्लांट्स और इकोसिस्टम को भी प्रभावित किया जा सकता है अगर ह्यूमंस अपने स्तर से प्रयास करें। तो इन सब प्रयासों से हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। निष्कर्ष में आप ये 2 से 3 लाइन डालेंगे कि आज के समय में, वर्तमान समय, पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और पर्यावरण को सब, और अभी रिसेंटली करेंट अफेयर में डाल सकते हैं कि सम्मेलन में, जितने भी सम्मेलन में डिस्कस करूंगा महत्वपूर्ण सम्मेलन, तो सम्मेलन ने कार्य योजना में तय किया कि वर्ष 2030 तक रसायनों के उत्पादन, जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो रसायनों के उत्पादन तथा प्रयोग को मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यह भी तय हुआ कि वर्ष 2015 तक सफाई कर्मियों की संख्या आधी की जाए। सम्मेलन में स्वच्छ जल तथा ऊर्जा के कुशल इस्तेमाल व कचरा प्रबंधन को भी विशेष तरजीह देने की आवश्यकता बताई गई है। दैट इज द कंक्लूजन, आप कंक्लूजन इस तरह जोड़ सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया, इम्पोर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण सम्मेलन, इसको हम लोग देखते हैं। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन में देखिए पर्यावरण के सुरक्षा को लेके जितने महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों की चर्चा हम करेंगे आज। जैसे पहला यहाँ आप देख रहे हैं, पहला सम्मेलन आपका दिखा रहा है मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम, 1972 में हुआ है, ये फर्स्ट सम्मेलन है मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। देखिए 1972 में जो प्रथम राष्ट्र इंटरनेशनल कमेटी हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, वो 1968, जब हम लोग वैश्विक दृष्टिकोण का चर्चा कर रहे थे उसमें 30 जुलाई 1968 में ही उस चीज़ की चर्चा कर दी गई कि स्टॉकहोम सम्मेलन पहला सम्मेलन होगा, स्टॉकहोम में एक पहला सम्मेलन होगा
जो 1972 दैट मीन्स उसके 4 साल के बाद हुआ, और वहीं से लगातार ये प्रयास जारी रहता है और टिल डेट कम से कम 16-17 सम्मेलन हो चुके हैं जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नैरोबी सम्मेलन है, नैरोबी सम्मेलन हुआ 1982, 10 साल के बाद। नैरोबी आपका केन्या में पड़ता है। नंबर थर्ड है ओजोन परत संरक्षण बीना अधिनियम, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। बीना ऑस्ट्रिया में 2 सम्मेलन हुआ, नंबर 3 और नंबर 4। ये दोनों एक 1985, दोनों 1985 में हुआ था ओजोन परत संरक्षण। ये ओजोन से संबंधित था। तो ओजोन भी क्या है, ओजोन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये भी आपका पर्यावरण का ही पार्ट है। तो ओजोन का सम्मेलन हुआ स्पेशली ओजोन के संरक्षण से, तो कहीं ना कहीं ओजोन का संरक्षण भी आपके पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देगा। तो ओजोन का संरक्षण 2 बार हुआ, 1985 में ही 2 बार हुआ, ये आपका ऑस्ट्रिया वियना में हुआ। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जिसका नाम था 1992 में, 7 साल बाद। फिर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र मानव सम्मेलन हुआ 1996 में, 4 साल बाद। 1 साल बाद फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इसके बाद देखिए जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुए, इसके 5 साल बाद। जोहान्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। देन आफ्टर देखिए नुसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में पड़ता है, 2007 में हुआ। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन ये आपका पड़ता है, ये 2009 में आयोजित किया गया, इसके 2 साल बाद। यहाँ पे देखिए इसमें कंपेरिजन के 5 साल, इसमें 2 साल। इसके बाद फिर बहुत क्लोज में होने लगा, कंटिन्यू पर ईयर्स होने लगा कोपेनहेगन। इसको COP15 नाम दिया गया। ये COP एक्चुअली होता क्या, COP इज नॉन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ जानना है, कोपेनहेगन हो गया, आप नुसा दुआ सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन COP15 नाम दिया गया। इसके बाद सीरियल वाइज COP15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हो चुका है। देखिए 2009 के बाद 2010 में हुआ कानकुन सम्मेलन। इसके बाद डरबन कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। डरबन सम्मेलन COP17 2011 में। दोहा कतर में है COP18 2012, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप कमेंट सेक्शन में बताइए वार्सा कहाँ पड़ता है। वार्सा सम्मेलन आपका COP19 के नाम से जाना गया 2013 में, ये भी इम्पोर्टेंट था। लिमा पेरू आप नाम सुनेंगे, लिमा पेरू COP20 नाम दिया गया 2014 में, ये हुई सम्मेलन। और पेरिस तो आप जान रहे हैं फ्रांस में है, तो COP21 इसका नाम दिया गया 2015 तक। रिसेंटली अभी हम ऐड किए हैं, बाकी कुछ अगर करंट अफेयर का जब मैं वीडियो दूंगा तो एक दो और भी अगर इशूज हुए हैं, जैसे सम्मेलन हुआ है 2015 ऑनवर्ड पर्यावरण प्रदूषण को लेके, तो इसमें हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण सम्मेलन इसमें जोड़ सकते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप इसमें देखिए तीन जो सम्मेलन हुए हैं, पहला सम्मेलन जो हुआ था 1972 का मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992, और जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप महत्वपूर्ण सम्मेलन लिखने के बाद कम से कम ये तीन के सम्मेलन के बारे में कम से कम दो दो लें। तो मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह 5 जून से 16 जून, दैट मीन्स ये 10-11 दिन चला, ये 11 दिन चला था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था प्रथम बार, और एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और पृथ्वी को मतलब फोकस करते हुए ये सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन के पश्चात 70 व 80 के दशकों में कई सम्मेलन हुए, लेकिन 1992 में फिर ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो जहाँ ओलंपिक्स का गेम भी हो चुका है, में पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर 1992 वाला। देखिए यही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन पृथ्वी संरक्षण 92, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो पड़ता है आपका साउथ अमेरिका, ब्राजील। और इसमें क्या क्या, इसमें पहले क्या क्या किया गया, क्योंकि इस सम्मेलन का जो गठन हुआ, सम्मेलन हुआ, उसकी नींव यहीं पे बिछा दी गई थी 1972 वाले सम्मेलन में। तो 1972 वाले सम्मेलन में स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए कि मानवीय पर्यावरण पर घोषणा किया गया, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना निर्धारित किया गया, विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया, नाभिकीय शास्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव होना चाहिए, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन बुलाने की सिफारिश। तो वही वही जो सिफारिश किया गया वहीं से 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ
वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोल सकते हैं जो रियो डी जेनेरियो में हुआ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारंत विकास सम्मेलन में हो गया। अब इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, संयुक्त राष्ट्र पारंत विकास सम्मेलन दो दो लाइन। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की परिणति पृथ्वी सम्मेलन की, और वहीं पे इसकी चर्चा कर दी गई थी। और 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसमें भी काफ़ी देशों ने, देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें क्या विषय अपनाए गए थे कि वनों का प्रबंधन होना चाहिए, संस्थागत प्रबंधन होना चाहिए, जैविक विविधता और विकास आदि पर चर्चा हुई। एजेंडा 21 और रियो घोषणा, ये दो इम्पोर्टेंट इश्यूज इसमें थे जो ऐड किया गया। एजेंडा 21 में गरीबी, उपभोग के तरीके, स्वास्थ्य, मानवीय व्यवस्थापन, वित्तीय संसाधन, प्रौद्योगिकी उपकरण इत्यादि को चर्चा किया गया। रियो घोषणा में किया गया कि पृथ्वी सम्मेलन के बाद समय समय पर कई सम्मेलन हुए, हैबिटेट 2, क्योटो प्रोटोकॉल इत्यादि। इसमें स्पष्ट रूप से पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना सम्मेलन की महान उपलब्धि मानी गई। पृथ्वी चार्टर यानी पृथ्वी को सुरक्षित करते हुए पर्यावरण को, पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे, इस पे चर्चा किया गया था। और इसमें 182 देशों ने अपने 27 सिद्धांत पे घोषणा की और उस पे हस्ताक्षरित किया 1992 वाले में। देन आफ्टर जोहान्सबर्ग है, इसका नाम दिया गया 2002 में जो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका पृथ्वी सम्मेलन 2 के नाम से। ये 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, यानी कुल मिला के 10 दिन के आसपास ये भी चला। 2002 के बीच दक्षिण अफ्रीका शहर जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन में गरीबी और पर्यावरण के साथ साथ गरीबी को भी इशू लाया गया इसमें, और इन्वायरमेंट के साथ जोड़ा गया। सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि गरीबी विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके उन्मूलन के लिए वैश्विक कोष की स्थापना आवश्यक है। सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की है, लेकिन इसमें होने वाले खर्च का बोझ धनी देशों को अधिक उठाना पड़ेगा। एक नया इशू इसमें जोड़ा गया जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में करना क्या है, वार्सा सम्मेलन, तो वार्सा सम्मेलन कहाँ हुआ था इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप किस तरह का और वीडियो इसमें लाना चाह रहे हैं, किस तरह का वीडियो मैं बनाऊँ, उस रिगार्डिंग आपका सजेशन दें। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड आई होप अपकमिंग वीडियोज में फिर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अपकमिंग वीडियो हमारा फिर रहता है, मैं देखता हूँ, अपकमिंग वीडियो रह जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एक वीडियो रखेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के सभी आयाम की चर्चा हो जाए, और अगर वहाँ से सवाल आ गया तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखें, वहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस हमारे PDF को भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसका PDF वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।